हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ड्राइंग टूल के वर्ड आर्ट ऑप्शन के बारे में बताया था, मैंने पूरी जानकारी दे दी थी। उसमें आप कैसे शैडो, 3D इफेक्ट, कलर, इनर कलर, आउटर कलर, लाइन, जिसे आप लाइन कलर भी कह सकते हैं, आप कैसे उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमने आपको पिछले आपने वीडियो में दे रखी है। फ्रेंड्स, मैं आज ड्राइंग टूल के और ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ड्राइंग टूल बार यहां ओपन कर रखा है। आपको अगर ड्राइंग टूल बार ओपन करना है, अब मैं यहां पे क्रॉस पे क्लिक करके मैंने ड्राइंग टूल बार को क्लोज कर दिया है। आप व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, यहाँ देखेंगे ड्राइंग टूल बार। ये देखिए, यहाँ पर ड्राइंग टूल बार आ गया। इसको मैं नीचे सेट कर देता हूँ। ये देखिए, आज मैं आपको बताता हूं ऑटो शेप के बारे में। फ्रेंड्स, देखिए, जैसे यहां पे ऑटो शेप, यहां आपको ऑटो शेप्स पहले से प्री डिफाइंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से प्री डिफाइंड शेप्स हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और अधिक एक्सप्लेनेसिबल बना सकते हैं, यानी आप और वर्णित, जैसे कहने का मतलब, अगर आप किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑटो शेप्स में जो शेप्स दिए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं कि लाइंस पे क्लिक किया तो उसे एक सब मेनू खुला है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ तीन तरीके की लाइन है। एक जिसमें कोई हेड नहीं है, वन हेडेड है और टू हेडेड है, यानी डबल एरो, एरो और लाइन। साथ में देखिए कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल, ये छह ऑप्शंस आपको जो दिखा रहे हैं। अब सपोज करिए कि आपको ट्री के बारे में देख कुछ ऑप्शंस आप कुछ मतलब बताना है आपको ट्री के बारे में। जैसे ट्री है, अब आपने इसमें स्टेम, रूट, ब्रांचेस, फ्रूट्स, ये टाइप कर रखा है। साथ में जस्ट बगल में आपने ह्यूमन बॉडी भी टाइप कर रखा है। फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आपको प्रेजेंट करना है कि ट्री के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ट्री के अंदर जो अंदर स्टेम, रूट, ब्रांच और फ्रूट्स आने चाहिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर शोल्डर और हेड आना चाहिए। अगर आपको इससे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ ऑटो शेप में जाएंगे, लाइंस यहाँ देखिए पहले से दिखा रहे, आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, ऑटो शेप्स में जाके लाइंस पे जाके देखिए, एरो, यहाँ से एरो लेंगे आप, यहाँ से ट्री से स्टेम तक एक एरो खींच सकते हैं। ये देखिए, फिर आपने एरो पे क्लिक किया, स्टेम, ये देखिए, और ह्यूमन बॉडी को आपने यहां डिस्क्राइब कर लिया।
ये देखिए, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं आपने किसी भी फाइल में, पेपर में, जहां पर भी आप डिस्क्राइब करना चाहें, इन ऑटोस्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे क्रिएट योर ड्राइंग हियर, यहाँ पे आपको ड्राइंग करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अगर एस्केप बटन दबाएंगे तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, आप एक लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे। या फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, जैसे कि आप ये लाइन खींच जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप देखिए जो है एक सीधी लाइन होती है, फिर एक आप देखिए कर्व होने लगता है, आप अगर इसको कंट्रोल के साथ करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन, एक आप खींचेंगे शिफ्ट के साथ भी अगर करेंगे तो सीधी लाइन होगी, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में इसे मूव करें एक सीधी लाइन खींचेगी। अगर कंट्रोल करते हैं ये लेफ्ट मार्जिन से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा अपने कीबोर्ड से, अगर कंट्रोल बटन दबा रहे हैं तो देखिए क्या यहाँ पे हो रहा है, और अगर शिफ्ट बटन दबा रहे हैं तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, या वर्टिकल लाइन भी खींचना चाहते हैं तो आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, ये देखिए। तो अगर आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये देखिए अगर मैं बिना बटन के साथ की ड्रॉ करता हूँ तो ये हो सकता है लाइन ऊपर या नीचे ऐसे जाए, लेकिन अगर मैं शिफ्ट बटन दबा के इसको मूव करता हूँ तो आप देखिए अगर ये मैं किसी भी एंगल पे इस लाइन को खींचूंगा ये बिल्कुल सीधी रहेगी, ये देखिए। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे कहीं आप जो है लाइन छोटी रह गई हो और इस पे आपको मूव करके कहीं और अटैच करना, तो आप देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हैं, इस पे अगर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो टू हेडेड एरो बन जाता है, इस पे अगर लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस का आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ आपको इस रखना है इस पॉइंट को, तो ये देखिए लाइन उतनी बढ़ जाएगी और आपका ये देखिए ट्राइंगल तैयार हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें ऑटो शेप्स में बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं, जैसे कनेक्टर्स हैं, बेसिक शेप देखिए यहाँ पे स्क्वायर, इस सारे के आपके पास ढेर देखिए यहाँ पे कैन, जो भी आप चाहें यहाँ से उठाकर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। और ड्रॉ करने के बाद जब ऑटो शेप आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपके पास एक्सपेंड करने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा सर्किल है, ये देखिए इस पे मैं जब पॉइंटर ले जाता हूँ तो टू हेडेड पॉइंटर बन जाता है, ये आपका एक बॉक्स बन गया, और यहाँ पे देखिए येलो कलर का एक डॉट बना हुआ है, इस पे जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो एक सिर्फ हेड किसी एरो का हेड बन के यहाँ दिखाई देता है। अब इसको अगर आप मूव करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, ये देखिए लेफ्ट जो मार्जिन है उससे ये स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए। अगर इसको ही आपको माउस पॉइंटर के लेफ्ट बटन को दबाए रहना है और इसको मूव करना है, मूव करके आप जिस टाइप का आकार इस पर लेना चाहते हैं ये देखिए शेप, एक आप इसको मूव करके किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, ये देखिए। साथ में आपको ये ग्रीन कलर का डॉट पॉइंट दिख रहा होगा जहां पर यहाँ पे माउस पॉइंटर एक सर्किल एरो के रूप में दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए इसको मूव करते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, किसी भी डायरेक्शंस का मतलब 360, यानी एक सेंटर है उस सेंटर के चारों तरफ ये मूव करेगा, आप चाहें किधर भी ये मूव कर दीजिए, ये देखें 360 मूवेबल है, लेकिन एक सेंटर के ये आप इसे उठाकर कहीं और अगर ले जाकर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फोर हेडेड एरो जब आपको दिखाई देने लगे तो अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसे ड्रैग करें किसी भी डायरेक्शन में तो ये वहां पे मूव हो जाएगा, ये देखें किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव करके रख सकते हैं, देखें। और इस सर्किल से आप इसको इसके सेंटर के यानी गोलाकार इसे घुमा सकते हैं ये, और इस एलो पॉइंट से आप इसके आकार को बदल सकते हैं, ये देखिए लेंथ विथ हाइट इसकी चेंज हो रही है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल मैं दूसरे शेप के साथ आपको दिखाता हूं, ये देखिए
ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ की है, ये देखिए। अब इसका एलो पॉइंट ये है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या होता है यहाँ पे, यह इनर सर्किल बढ़ रहा है और घट रहा है, ये देखिए। यह चाहे तो आप, और इसके बाद ये सर्किल आपको मूव करने का मौका देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेंटर के चारों तरफ ही मूव करेगा ये, इसे उठाकर आप कहीं रख नहीं सकते। अब अगर आपको इस सर शेप को कहीं उठा के दूसरी जगह पे पुट करना है, तो सबसे पहले आपको फोर हेडेड एरो यहाँ पे शो होगा, माउस का लेफ्ट बटन पुश करिए और इसे ड्रैग करिए जहाँ आपको रखना है, कहीं भी आपको रखना है इसे रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पेज पे कहीं पर भी ये आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एरो भी दिए हुए हैं, ये देखिए। ये देखिए एरो यहाँ पे बन गया। अब इस एरो में भी देखिए आपको ग्रीन, येलो और नो कलर वाले पॉइंटर मिलेंगे। देखिए इसमें नो कलर है, सर्किल आपका बना हुआ है, इससे आपके साइज, ये देखिए इस साइड में डायगोनल और लंबाई, इसकी जो है ऊंचाई जो है घट बढ़ रही है। ये कॉर्नर का आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको एक अनुपात में घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर साइड के किसी ब्लॉक को आप चूज करते हैं तो आप इसके सिर्फ विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर टॉप या बॉटम के किसी सर्किल को आप चूज करते हो तो इसकी साइज हाइट को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डायगनल इसको मूव कर रहे हैं तो ये अनुपातिक में लेंथ विड्थ दोनों आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये येलो कलर का जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें आप ये देखिए एक लाइन बन गई, अगर इसी पर दोबारा आप क्लिक करें इसको चाहे तो ये देखिए आप, इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा ड्रैग नहीं हो पाएगा, ये एरो की तरह एक एरो ही रहेगा। और ये देखिए आप इसको चाहें जितना घटा, इसको जितना कम करना चाहें, ये देखिए जिस प्रकार से आप इसको मूव करेंगे ये देखिए। तो आपका रिक्वायरमेंट जैसा भी हो वैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको जैसे ग्रीन बटन है, इस ये एक सेंटर पे, ये देखिए मूव कर, अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं कहीं और रखना चाहते हैं तो वही फोर हेडेड एरो माउस का लेफ्ट बटन पुश करते हुए आप इसे ऊपर ले जाएं, ये देखिए ये कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटो सेप्स में स्टार्स, यहाँ देखिए प्री डिफाइंड स्टार है, आप स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए स्टार ड्रॉ करने का वही सेम ऑप्शन है, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने साइज को जिस हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए डायगनल इसको मूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैनर्स जो अक्सर करके आप देखते होंगे इस्तेमाल होता है डिजाइन में, ये देखिए यहाँ बैनर्स, इसके अंदर आप चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर डबल क्लिक करने से आपको नहीं आ रहा तो आप इस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, जैसे ये आपके पास सेप है। अब देखिए फ्रेंड, जब मैंने इस सेप को मूव किया तो वो सेप दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि जो भी सेप हम बना रहे हैं उस सेप की एक सीक्वेंस सेट हो रही है, जो सेप सबसे पहले बना है वो सबसे नीचे है, उससे जो बाद में बना वो उसके ऊपर, और इस तरीके से लास्ट में हमने बैनर बनाया तो बैनर सबसे ऊपर है। अगर किसी शेप को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो जैसे उस शेप को सेलेक्ट करिए, इस समय आपका देखिए ये सर्कल सेलेक्ट है, इसको ऑर्डर में करिए ब्रिंग टू फ्रंट,
ये देखिए मैंने इसको बैक में कर दिया, जो बैनर था ट्रायंगल मुझको दिखने लगा, बैनर को सेलेक्ट किया, इसे सेंड टू बैक किया, ये ट्रायंगल देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से बॉक्स है, बॉक्स पे मैं गया, ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए दोस्तों इस समय अभी ये बैनर से, ये देखिए इसके पीछे एक सर्किल भी मैंने बनाया था जिसके पीछे ये बॉक्स हाइड हो रहा है। जो भी आप जिस सीक्वेंस में आपने शेप ड्रॉ ड्रॉ किया है उस शेप में उसकी सीक्वेंस सेट हो जाती है। बॉक्स देखिए मैंने बांधा है, अब इस पर अगर आपको एड टेक्स्ट ऐड करना है राइट क्लिक कीजिए, अपने माउस पॉइंट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट आप यहाँ पे ये अलाइनमेंट्स भी आप चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दोस्तों शेप के बारे में बता रहा हूँ और ये कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। इससे बहुत अच्छी तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट कर सकते हैं या कह सकते हैं आप सजा सकते हैं, जैसे बुलेट्स बना सकते हैं, बॉक्स बनाकर आप उस पर टाइप करके लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बैनर्स भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बैनर है, अब बैनर में लिखना चाहते हैं आप सबसे पहले इसको मूव कर लीजिए और इसे सेंड टू बैक कर दिया हमने। अब ये देखिए मैं बैनर्स पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप शेप को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। कॉल आउट्स हैं, जैसे आप थिंकिंग कर रहे हैं या कोई टूल टिप्स देना चाहते हैं उस टाइप से आप कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया नोट टाइप का और ये फ्रूट्स के सामने रख दिया, देखिए ये येलो कलर है, इसको मूव करके यहाँ पे मैंने फ्रूट के ऊपर रख दिया। अब मैंने लिख दिया येलो फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स, पर्पल फ्रूट्स, तो एक आपके सामने ये लिस्ट तैयार हो गई इसके बारे में कि ये इस तरीके के फ्रूट्स फ्रूट्स हैं। या आपने किसी का डेफिनेशन या टूल टिप्स देना, छोटा सा डेफिनेशन देना है तो आप इसको ड्रॉ करके वहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे ये आप एक सर्किल है कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट 360 डिग्री सेंटीग्रेड एक सेंटर के इर्द गिर्द होगा, यानी आप इसे गोल गोल घुमा सकते हैं। कहीं और रखने के लिए इसे ड्रैग करना होगा, फोर हेडेड एरो जब आपको दिखाई देने लगे इसे ड्रैग करके जहां रखना चाहें रख दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये हैं ड्राइंग कैनवस, जो ये ड्राइंग कैनवस आप देख रहे हो सामने दिख रहा है, एक्सपेंड फिट, एक्सपेंड फिट, जो आपने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करना है, फिट करना है, ये स्केल ड्राइंग है। तीन ऑप्शन है इसमें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसे ड्राइंग कैनवास को आप एस्केप बटन से
हाइड कर सकते हैं। आप अपने माउस पॉइंटर से डबल क्लिक कर दें बाहर, या कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दें तो ड्राइंग कैनवास डिसअपियर हो जाता है या हाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ऑटो शेप में आपने देख लिया, इसमें कॉल आउट्स भी दिखा, स्टार्स एंड बैनर्स ये देखते हैं, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में से कुछ कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके अपना फ्लो चार्ट में, एरोस आपने देख ही लिया, ये देखिए इसमें आपको दो येलो कलर के स्क्वायर दिख रहे होंगे, ये हैं इनर स्क्वायर, देखिए इससे क्या डिफरेंट होता है ये देखिए, और ये आउटर स्क्वायर, इसे देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड, जो येलो कलर का आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये इससे आप शेप को किसी भी तरीके आकार का बना सकते हैं। ग्रीन कलर का जो आपको सर्किल दिख रहा है, इससे आप एक सेंटर के चारों तरफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड से घुमा सकते हैं। और जो आपको नो कलर वाले सर्कल दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये जो है आप इससे इसके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट के बारे में मैंने बता दिया है, ये आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। जब आप इसे क्लिक करते हो, तो मैंने आपको बताया ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन बताया था, जब आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हो, तो उस जो भी आपने शेप इंसर्ट किया है उसके ऊपर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से जाइए, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए, और अगर आपको किसी शेप में लिखना है या बाहर कहीं किसी पेज पर कहीं अलग लिखना है, तो भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करते ही आपके पास देखिए ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, बॉक्स की साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं लंबाई चौड़ाई में, और जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी आउटलाइन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की है। अगर आप चाहते कि स्टार सर्कल्स दिखे, आउटलाइन ना दिखे, तो आउटलाइन वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे नो लाइन कर दीजिए। देखिए ये आपको लाइन दिखेगी ही नहीं, यानी किसी शेप के बीच में अगर आपने लिखा है और ये आप स्क्वायर आउटर लाइन नहीं चाहते हैं, तो वहां पे आप जाके लाइन को व्हाइट कलर कर दीजिए, नो फिल कर दीजिए, तो ये आपको स्क्वायर नहीं दिखेगा। अब देखिए जैसे स्टार है, इस पे मैंने फिल किया क्योंकि ये शेप है, ये शेप है। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फॉन्ट कलर है, ये टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, और जो यहाँ पे हम वर्ल्ड आर्ट के थ्रू जो भी यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करते हैं, वो एज अ शेप यहाँ पे इंसर्ट होता है, ना कि एज अ टेक्स्ट या कैरेक्टर के मतलब इंसर्ट होता है। तो अगर आप इसके अंदर देखिए, मैं एक वर्ल्ड आर्ट आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए वर्ल्ड आर्ट है, मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे हेलो टाइप किया और मैंने ओके कर दिया। अब अगर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट इसका रेड कलर करने की कोशिश करता हूँ, देखिए रेड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाकर इस पर कुछ टाइप करता हूँ, अब इस पर मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, पहले तो मैं इसका आउटर बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ, आउटलाइन जो है इसकी वो मैं यहाँ से नो लाइन कर देता हूँ लाइन। फिर इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है वाइट कलर का है, मैं इसको सेम पीछे जो आप देख रहे हैं इस कलर का कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए मैंने इसका कलर येलो किया, तो जो अब मेरी यहाँ पे टाइपिंग है हेलो हाउ आर यू, ये आप ये येलो कलर की नहीं हुई, जबकि हेलो के केस में ये ऐसा ही होगा, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। लेकिन इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ से अगर ये दबाते हैं, तो देखिए इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि हेलो पे अगर सेलेक्ट करते हैं ये करते हैं कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको पुश करते हैं तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। मीन्स कि जो आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल बार से जो भी आप यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, वो एज अ शेप इंसर्ट हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के को छोड़कर। तो आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट बॉक्स से कोई राइटिंग की हुई है, तो उसे आप फॉन्ट कलर से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही
इस पे फॉर्मेटिंग टूल बार से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या इसके साइज को घटाई या बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो ये एज ए टेक्स्ट काम, जैसे जबकि हेलो पर आप यहाँ से ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सेप है, सेप पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है। सेप है तो आप इस पे एडिट टेक्स्ट जाइए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एडिट वर्ड और टेक्स्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आपकी साइज बढ़ जाती है। ये प्री डिफाइंड साइज 96 है, आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है पेज के बाहर हो गया, अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये पेज पर फिर से शो होने लगेगा, काफी बड़ा साइज ले लिया हमने। ये देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ऑटो सेव्स समझ में आ गया होगा। सेव्स और टेक्स्ट, सॉरी, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट, इसमें भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और क्लियरली इस मैटर्स को मैं और भी क्लियरली तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिकल जितने ज़्यादा अधिक करेंगे उतने ही आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। इसी आशा के साथ कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।